तो मैं थोड़ा तो देखो क्या ब्लैक ब्लैक सा निकला है। तो पता नहीं सर टेस्ट कैसा हो गया, गर्म था तो काफी अच्छा लगा। कुछ ऐसा सीन है भाई इतना बड़ा। गाइस कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता है कौन है वीडियो में। गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हाँ मुझे पता है वीडियो काफी लेट से अपलोड कर रहा हूं, गाइस बजट का प्रॉब्लम था तो उसको इकट्ठा करते करते टाइम लग गया। आपको पता होगा जो कैफे घूमते उसको पता होगा कि हाँ एक कैफे में जाने के लिए एटलीस्ट 1000 रुपीज तो चाहिए, तो थोड़ा बजट का प्रॉब्लम था, मतलब मेरे को तो था। जो भी गाइस स्टार्ट देखे तो पता चल गया कि मैं कहां जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूट्स का वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 बार जाना पड़ा। जब पहली बार गया तो वहां पे हेलमेट अलाउ नहीं था, हेलमेट नीचे रख के ऊपर गया तो फिर वहां देखा कि जगह नहीं है, तो हम लोग फिर 1 महीना बाद गए और फाइनली आप लोग के लिए वीडियो लेके आ गए हैं। तो गाइस अगर आपको जानना है कि मेरा बिल कितना आया, मतलब हम लोग 2 जन गए थे 2 जन का खर्चा कितना आया, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और खुशखबरी यह है गाइस कि हुक्का जो है अनबैन हो गया, तो आपको हुक्का भी मिलेगा। जो हम लोग गए थे तो हुक्का बैन था, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप लोग ले सकते हो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। और कैफे का इन्फॉर्मेशन पूरा वीडियो में है, तो क्या बोलते हो चले क्या? और गाइस तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं रूट्स और बाइक यहां पार्क कर दिया। और ठीक है बाइक पार्क करने का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बट यहां पर पार्किंग काकू थे। और क्या पता गूगल मतलब इतना उल्टा उल्टा मैप दिखा रहा था, मतलब ये पूरा वन वे है ठीक है, मतलब गूगल मेरे को उधर से दिखा रहा था, बट रास्ता एक ही इधर से ही सिर्फ आना है, तो काफ़ी मुश्किल हुआ। और मेरे सामने ही है रूट्स, ये देखो। तो गाइस ये है रूट्स का गेट। देखो रूट्स कौन टा वही दिखे नीचे दे। तो गाइस अभी हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे गंदा सा रूल है कि आप हेलमेट नहीं ले सकते। ये क्या मतलब है भाई, हेलमेट रखिए कहाँ पे, ऐसी पार्किंग का जगह नहीं है, रास्ते में पार्किंग किया हेलमेट साथ, मतलब ये लोग को रखने का जगह नहीं, ठीक है वो लोग नहीं रखेंगे, बट जहाँ पे बैठेंगे हम लोग वहाँ तो एटलीस्ट रखने का जगह दे, पता नहीं यार हेलमेट। और गाइस तो मैं फाइनली रूट्स आ गया। मैं सच कहूँ तो मैं करीब यहाँ से 10 मिनट से बैठ के मैं सिर्फ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज। बट जो भी है गाइस आपने जो क्लिप देखा है पहले का, जो क्लिप मैं जो आ रहा हूँ दिखा रहा हूँ बाइक पार्किंग कर रहा हूँ, वो सब पहले का क्लिप है। यहाँ पे आने का अलग इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो यहाँ पे आए थे हम लोग का हेलमेट अलाउ नहीं था, तो आज हम लोग मेट्रो से आए हैं। और सच कहूँ तो क्या MBS काफ़ी अच्छा है, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि अंदर कैसा दिखता है। और ऊपर में एक और पार्ट है इसका ठीक है, वहाँ पे सिर्फ बुकिंग के लिए है, मतलब मैंने पूछा कि ऊपर जा सकते कि नहीं, मैंने सोचा कि ऊपर जाकर बैठेंगे, बिकॉज ऊपर वाला जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सच बता रहा हूँ। और ये भी कोई ख़राब नहीं है, बट ऊपर जो है सिर्फ जो बुक करेंगे उनके लिए है। और गाइस मैं जहाँ से बैठा हूँ ये देखो यहाँ पे रूफटॉप दिख रहा है, मतलब वो वाला जो हिस्सा है वहाँ मैंने बताया वहाँ पे अलाउ नहीं है सिर्फ बुकिंग के लिए, बाकी जो आप देख रहे हो यही सब है। और गाइस आज मंडे और मैंने सोचा नहीं था कि आज भीड़ होगा, हम लोग इतना जल्दी आ गए, मतलब अभी 2 बज रहे ठीक है, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है सोचे नहीं थे। और लेट इसके वजह से हुआ क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही मेकअप थोप के आई है। और पता नहीं गाइस मेकअप मतलब लड़की लोग का एक मैं आदत देखा हूँ ठीक है, मेकअप लगाने का तो उन लोग का जो हाव भाव है ना पूरा चेंज हो जाता है, आज मैं इसमें देखा ठीक है, पहली बार देखा मैं, मतलब ऐसे पहले भी मेकअप करके आई है, उस समय कुछ ज़्यादा गंदा सा लगता था, मतलब आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इसका, आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। देखो वाह ये वाला देख के मेरे खान सर का बात याद आ गया, लड़की लोग का आदत है कि एक हिप्पी गिरा लेगी सामने और जानबूझ के ऐसे बार बार करते रहेगी। ये देखो तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ ठीक है, मैं यहाँ आने से पहले सोचा था कि हम लोग 2 जन हैं, तो आज कम से कम खर्चा में आज जो है खाना खाएंगे यहाँ पर, बट अभी 2 स्टार्टर ऑर्डर किए, जो कि एक घी रोस्ट भेटकी जो कि आज पहली बार उच्चारण से किया हूँ, और वो है कुम्पाओ चिकन एंड नेस्ट, जिसको दोनों का ऑर्डर करते ही हम लोग का जो बिल अभी हो गया 1300 हो गया। पर्टिकुलरली किसका कितना प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूंगा। अभी खाते और देखते हैं यहाँ खाना कैसा है ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल भी मिलता है, तो मैं अल्कोहल ट्राई नहीं करूँगा ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है इसीलिए, और ऐसे मैं पीता नहीं हूँ। और गाइस तो मैं आपको खा के बताता हूँ कि टेस्ट कैसा ठीक है, प्राइस के हिसाब से टेस्ट अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है ठीक है। और ये चिकन है ना, भेटकी मतलब मछली ना, मछली जो भेटकी होता है, तो पूरा चिकन जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। सच कहूं तो टेस्ट जो है मैं पहली बार ऐसा कुछ खा रहा हूं, और इसका टेस्ट पूरा मटन जैसा आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं, तो आपको हंसी आएगा ठीक है, सोच रहा कहां से आ गया कैसे बता रहा है, मछली खा के मटन का टेस्ट बता रहा है, बट जो ग्रेवी जो यूज किया ना मेरे को लगा मटन का ग्रेवी है पूरा। उसको ट्राई कर, ये क्या है कुम्पाओ चिकन एंड नेस्ट। और आज जो है यहाँ पे सर्विस बॉय काफ़ी हम लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग आते ही धूप में बैठ के वीडियो बनाने के लिए ठीक है, और ऐसे भी आज थोड़ा कॉन्फिडेंट कम मिल रहा है कि आज ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो जगह नहीं मिला कोना में आके बैठे हैं। चलो अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है, तो इसको भी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ओह माय गॉड विश्वास करो श्रेया खाने में काफ़ी मस्त, खा के देख।
और गाइस सच कहूँ तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रहा है। यहाँ से जो नज़ारा है ना काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। यहाँ से 42 का नज़ारा है, यहाँ से प्लस कैथेड्रल चर्च भी दिख रहा है। उच्चारण सही कर रहा हूँ तो बताना मेरे को। और ये आप लोग बताना, यहाँ पे एक ये बहुत ही पुराना खंडर टाइप का बिल्डिंग लग रहा है जिसका नाम है किंग एडवर्ड कोर्ट। ये मेरे को इसका आइडिया नहीं है कुछ है यहाँ पे। तुमको आइडिया है? तुम तो कोलकाता की हो। सच में नहीं पता तुमको? पक्का? तो कलकत्ता में क्या कर रही थी? पढ़ा लिया करना चाहिए था तुमको। पढ़ाई लिखाई करता तुम्हारे पीछे घूमता क्या मैं? श्रेया को ये वाला जो है क्या नाम था उसका, भेटकी रोस्ट ना, घी भेटकी रोस्ट, उसको पसंद नहीं आया क्योंकि उसका टेस्ट जो है मटन जैसा, और श्रेया को मटन खाना पसंद नहीं है। और भाई मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जितना भी दामी दामी कैफे होता है उसका चेयर इतना ऊंचा क्यों होता है भाई। हम लोग जैसे लड़के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है यार। मतलब हाइट वाइट का ख्याल रखो भाई। इतना मतलब हाइट ही 5 फुट का, ऊपर से 4 फुट का ये आपका चेयर दे दोगे तो बैठूंगा गाइस। देखो अंदर का सीन कुछ ऐसा, मैं आपके लिए उठ के आया बनाने के लिए। ये देखो कुछ ऐसा सीन है भाई, इतना बड़ा ऊपर में भी जगह है। अभी भैया बोल रहे कि खुलता नहीं, अभी जाकर ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, बट देखो भाई ये देखो यहाँ पे पूरा शराब का दुकान है भाई, देख के ही मजा आ रहा है। ऊपर आपको यही दिखाने की बात कर रहा था मैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी जगह है ये देखो, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है यार, सच बता रहा हूँ। एक इधर भी है, पता नहीं ये खुला है कि नहीं। इधर आओ जरा देखें, खुला है, खुला है, आ जाओ। ओह माय गॉड गाइस, क्या बताओ यार। देखो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग ऐसा वैसा कुछ हरकत करेंगे नहीं। जो भी गाइस काफ़ी बहुत ज़्यादा भरा है, मतलब यहाँ स्पेस का कमी नहीं है। और मैं बताता हूँ कि कौन सा हिस्सा जो है बुक करने का बात हो रहा था कि वो सिर्फ बुकिंग के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं ये बुक करने के लिए नहीं है शायद, मेरे ख्याल से इसके लिए तो कुछ बोला नहीं। ये भी बुकिंग के लिए क्या? अच्छा पूरा हिस्सा ही बुक करने के लिए ना। और गाना बहुत ज़ोर से चल रहा है, थोड़ा साउंड पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं, बट देखो बढ़िया। देखो ये वाला रूफ टॉप था, ये वाला तो डेकोरेशन चल रहा है। आ जाए क्या, थोड़ा देख सकते हैं ना? ये देखो गाइस अभी शायद डेकोरेशन चल रहा है, बुकिंग वुकिंग के लिए शायद बुक किसी ने किया इसलिए थोड़ा इसको डेकोरेट किया जा रहा है। बट हाँ ये देखो काफ़ी सारा मैं सोशल मीडिया पे देखा था, यहीं पे वीडियो बनाया था, जगह काफ़ी माइंड ब्लोइंग। मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखो गाइस यहाँ से पूरा कोलकाता का व्यू आ रहा है, और ये एक साइड मोड़। ठीक है, अगर मेट्रो से आते हो तो डायरेक्ट वहाँ से मेट्रो स्टेशन वहाँ पर है, वहाँ से उतर के आपको सीधा आना है, इस प्लांट की तरफ आना है, और यहाँ मेन सामने गेट है इसके सामने। ओवरऑल इस जगह का आपको एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे आपको आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं एक चीज़ नोटिस नहीं है कि यहाँ से विक्टोरिया भी दिखता है यार, पूरा विजिबल है यहाँ से। देखो क्या पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है विक्टोरिया। देखो और गाइस मैं यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे डीजे भी होता है। ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ा डीजे होता है, तो ऊपर से देख के ही पता चल रहा है। जगह एकदम ऑसम है गाइस, सच बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बट जगह के हिसाब से जो है मुझे लगता है ठीक ही है। सेट भी दिखा देता हूँ, जब आया हूँ तो दिखा देता हूँ। क्लिप थोड़ा सा बड़ा होगा, एडजस्ट कर लेना, मतलब पूरा जगह दिखा देता हूँ। घर बैठे बैठे आप पूरा रूट्स को एंजॉय करोगे, और क्या चाहिए। इसके लिए तुमको सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। ऐसा लग रहा है कोई मीटिंग के लिए मतलब ये जगह बनाया गया है ना। ये देखो हम लोग वहाँ पे कोने में बैठे हैं, देखो हम लोग का खाना भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, दिख रहा है खाना हम लोग का सामने। जा यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है, कैथेड्रल चलते पूरा सामने से दिख रहा है, पूरा लग रहा है पूरा सामने है। ने एक्साइटमेंट में जो है जो घी भेट की जो है ऑर्डर कर दी। ठीक है, और गरम गरम खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये देखो इसको मैं तोड़ा तो देखो क्या ब्लैक ब्लैक सा निकला है। ठीक है, और अभी जो इसका टेस्ट है,
अंदर तो दिख रहा है बट मतलब ऐसा ही ऐसा मत बोल, खाना को नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है। अभी जो इसका टेस्ट है मतलब क्या बोलूँ, खाने लायक नहीं है। खाने लायक मतलब जिसको पसंद है घी वो खा सकता है, घी मुझे भी पसंद है बट पता नहीं इसका टेस्ट कैसा हो गया। गर्म था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा देर वीडियो बनाते थे पूरा ठंडा हो गया ये और पूरा ये मतलब टेस्टलेस हो गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर घी भेट के ऑर्डर करते हो तो प्लीज़ गरम गरम खा लेना ठीक है, क्योंकि इसका शायद 500 कुछ लिया था ना, 620 पाँच पीस का, पाँच पीस था ना, पाँच पीस का 620 वेस्ट ऑफ मनी हो गया ये तुम्हारे वजह से। तुम ही तो हमको क्या पता तुम क्या ऑर्डर कर नहीं, हमको ना हर जगह फिश अच्छा लगता था, हम फिश तो अच्छा ही होता है तो हमको कैसे पता चलेगा क्या उसको जो फिश है ना क्या वो क्या नाम है चिली फिश, चिली फिश वही ऑर्डर करना, कहीं भी कुछ करना वही करना। लेकिन इधर तो वो नहीं मिलता है ना, वो तो देखना पड़ेगा। ये तो कपेला जैसे हो गया हमारे साथ बट जो भी है गाइस ये चिकन का जो चिकन है ये इसका टेस्ट काफी अच्छा है। और हाँ मैं बताऊंगा, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऑर्डर किया, दो ही स्टार्टर ऑर्डर किया था, दो जन में आपको कम से कम कितना खर्चा हो सकता है ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में वीडियो पे। तो भाई एंड तक देखना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है। हम लोग को हो ही गया, अभी निकलने वाले हैं हम लोग। रूट्स वाले सोच रहे होंगे कि दो स्टार्टर में लोग 3 घंटा बिता दे रहे हैं नहीं उन लोगों को पता है ना हम लोग वीडियो बनाने आए हैं तो उनका टेस्ट कर रहा होगा। और गाइस मैं वीडियो पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सच कहो तो गाइस काफी मजा आया, कैफे का एम्बियंस बोला या फिर व्यू बोलो काफी माइंड ब्लोइंग था। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके एक बार घूम के आओ। एक्सपेंस की बात करें तो गाइस हम लोग दो जन गए थे और हम लोग दो जन का खर्चा एटलीस्ट 1500 मतलब 1500 के आसपास ही आया। लोकेशन की बात करें रविंद्र सदर मेट्रो स्टेशन से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप लोग इजिली जा सकते हो कहीं से भी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चाहते हो इस तरह फालतू ब्लॉग बनाते रहो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलता है ब्लॉग के साथ, तब तक गुड बाय, खुश रहो, दूसरों को सहाय दो, टडान।